दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube Google AdSense का ID वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और $10 कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद से आपको एक एक्शन बटन मिलता है जिससे आप ID वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ID वेरिफिकेशन करने के बाद से आपकी ID वेरीफाई हो जाती है, उसके बाद से आपको Google AdSense का पिन सेंड कर दिया जाता है आपके एड्रेस पर। बाद में उस पिन से आपको पिन वेरीफाई करना पड़ता है। तो चैनल मोनेटाइज कैसे करते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा $10 कम्प्लीट है, यहाँ देखिए 10.4। उसके बाद क्या करना है आपको, और ये एक और चीज़ दिखा देते हैं, ये YouTube की तरफ से मेरा मेल भी आया है, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसन, यानी हमको पिन के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ गूगल एडसन ओपन करना है, ठीक है। तो ये देखिए गूगल ये ओपन हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए गूगल एडसन, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट, ये आपको गूगल एडसन लॉग इन हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा गूगल एडसन लॉगिन हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए $10 ये शो नहीं कर रहा, ये पहले शो करता था आजकल शो नहीं कर रहा, लेकिन जब आपका $10 कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा यहाँ एक्शन बटन आ जाएगा, देखिए ये शो करने लगेगा। अगर $10 आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो ये शो नहीं करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पिन के लिए अप्लाई करना। तो जैसे आपको क्या करना है, यहाँ एक्शन पर क्लिक, उसके बाद जैसे ही आप एक्शन पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से आपको शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से शो होगा, आपका जो एड्रेस यहाँ शो करने लगेगा। अगर आप चाहते हैं एड्रेस पहले आप पिन के लिए अप्लाई करने से पहले एक बार आओ, उसके बाद यहाँ देखिए कौन कौन सा प्रूफ आपको यहाँ ये चले एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। और यहाँ देखिए आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, तो आधार कार्ड इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद ये इस तरह अगर आपको सबमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट टैप पर क्लिक करना है। जैसे ही टैप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए देखिए अपलोड का ऑप्शन देगा, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो जैसे पासपोर्ट या पैन कार्ड या वोटर आईडी यहां से डाल सकते हैं। तो ये मैं पहले से स्कैन करके रखा हूं अपने फोल्डर में, तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है। और उसके बाद जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, देखिए मेरा पिक्चर में, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। और ये आपका JPG फाइल होना चाहिए, और पैन कार्ड अगर आप डाल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में तो आपको एक ही साइड का डालने की ज़रूरत है, अगर वोटर आईडी है तो दोनों साइड का चाहिए, एड्रेस साइड का भी, आपका फ्रंट का भी, या पासपोर्ट है तो वो भी दोनों साइड का। उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन नहीं देगा तो फिर से क्या करना, आपको टैप क्लिक करना है कीबोर्ड से। यहाँ देखिए जैसे ही टैप क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ आ गया है, उसके बाद यहाँ एड्रेस भी आपका शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ क्या करना, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा इस तरह शो होगा, यहाँ पर आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस, द प्रोसेस में टेक ए फ्यू डेज, ये आपका 2 से 3 दिन या हो सके तो आपका 12 घंटे में भी हो जाएगा। उसके बाद ये आपको एक मैसेज भी आ जाएगा गूगल की तरफ से। तो ये देखिए योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज अलाउ ए फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन, ये कुछ दिन आपको ये लेगा। जैसे ही आपका ये पिन एंड आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा आपके एड्रेस पर पिन सेंड कर दिया जाएगा, वो आपका मैसेज आ जाएगा। अब पिन आपको आने में हमको लगता है 2 हफ्ता भी लग सकता है, जैसे भी आएगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि कितने दिन में हमारा पिन आ गया और पिन वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ देखिए आपका जो भी एडसेंड नंबर है वो शो कर रहा है और आपका नेम शो करेगा यहाँ। तो बस अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं।